नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही खुद को सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं तो कुमारी शैलजा की तरफ से भी तमाम दावे किए जा चुके हैं। वही हाल ही के दिनों में रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने भी उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग उठाई थी। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा अभी ये नहीं तय हो पाया है। जी हां, दरअसल कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बावरिया ने खुद इसको लेकर इशारा किया है। दीपक बावरिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम का चेहरा होंगे, क्योंकि इसको लेकर अंतिम फैसला हाईकमान करने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कौन सी स्ट्रेटजी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रही है अभी उन्हें इस बारे में नहीं पता है, लेकिन उन्हें लगता है कि बीजेपी हुड्डा को सीएम चेहरा मानकर टारगेट कर रही है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी सीएम का चेहरा नहीं है और हाईकमान ने इस पर फैसला करना है। इधर आप एबीपी न्यूज में छपी खबर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि हुड्डा कांग्रेस का चेहरा नहीं, प्रदेश प्रभारी बोले अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। इसी तरह आप दैनिक भास्कर में छपी ये खबर भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस पर तकरार, बावरिया बोले हुड्डा चेहरा नहीं, इसका अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बावरिया ने कह दिया है कि जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी सीएम का चेहरा नहीं है और अंतिम फैसला हुड्डा नहीं बल्कि हाईकमान सुनाएगा। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि दीपक बावरिया को यह बयान चुनाव से ठीक पहले क्यों देना पड़ा, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम का चेहरा नहीं होंगे तो कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बावरिया की गिनती कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबियों में होती है। पार्टी को एकजुट करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में हरियाणा कांग्रेस को आधा दर्जन से अधिक प्रभारी मिल चुके हैं, लेकिन कोई ना तो टिक कर काम कर पाया और ना ही संगठन खड़ा कर पाया। कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और खींचतान इसकी वजह है। ऐसे में दीपक बावरिया के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।